ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले को किराए पर बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाली शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। शातिर महिला के घर से पुलिस ने बैंक की दर्जनों पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद की है। बता दें कि शातिर महिला गरीब और मजदूर वर्ग को तलाश कर ऑनलाइन गेम ऐप का पैसा खाते में आने का झांसा देकर यह अकाउंट ओपन कराती थी। इसके बाद उनकी पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लेती थी, जहाँ अकाउंट का उसे 2000 रुपये मासिक किराया मिलता था। वहीं पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुट गई है। एएसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि एक शिवानी नामक महिला को पकड़ा गया है। उसने कई लोगों के अकाउंट खुलवाकर ठगों को किराए पर दिए थे। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है जिन लोगों के लिए वह काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच में जो है, क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है मुखबिर की सूचना पर एक महिला फ्रॉडिस्ट को पकड़ा है। और महिला फ्रॉडिस्ट जो है वो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो लोगों को लालच देकर, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको लालच देकर उनके बैंक अकाउंट खुलवा रही है, और अकाउंट खुलवा कर वो अकाउंटों को आगे जो फ्रॉडिस्ट हैं उनको बेच रही है, साइबर फ्रॉडिस्ट हैं उनको बेच रही है। उक्त सूचना पर उसके यहाँ दबिश दी, दबिश देने पर उसके घर से जो है करीब 20-22 पास बैंक अकाउंट की पासबुक और कुछ सिम बरामद हुई है। ऐसा जो इसका जो घटन लोगों को जो विश्वास दिलाकर कि तुम हमारे गेमिंग जो हम गेम खेलते हैं उसके पेमेंट आने वाला है और उन्हें कुछ पैसे दे देती थी। इस संबंध में पूछताछ क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है कि इनके द्वारा ये कब से किया जा रहा था और इनकी गैंग में और कौन कौन शामिल है और जो अकाउंट को आगे किसको बेचती थी, लोगों के अकाउंट खुलवा कर आगे जो उनके अकाउंट को भेज देती।